subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. औरतों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा। आई कहा था इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल। So I think I'm very lucky that I have always had. स्ट्रीम टर्निंग पॉइंट था इसलिए क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने मुझे देखना शुरू किया और पाताल लोक से पब्लिक ने देखना शुरू किया। उनको समझ में आया कि यार ये कोई नया एक्टर आया है हमारे देश में, हमें एंटरटेन करना है। रिसेंटली मेरी माँ ने मुझे फोन किया, बोला कि अरे तुझे गोला बुनाऊं या चना। मेरे घर का नाम गोला है। हाय गाइस, दिस इज अभिषेक बैनर्जी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन इंडिया फोकस। चाहे हो कोई कॉमिक रोल या कोई डार्क किरदार, ये निभाते हैं उसे विद पूरी शिद्दत एंड प्योर एनर्जी। वेलकमिंग अभिषेक बैनर्जी इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फिल्म्स। हेलो, 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 कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। मैं बहुत बढ़िया हूँ, पर मुझे लगता है आप ज्यादा बढ़िया होने चाहिए ना स्त्री टू के कलेक्शन देखने के बाद। हाँ, मैं बहुत, जैसे कहते हैं, रोज रात को बहुत लेट सो रहा हूँ। हाँ। और फिर सुबह भी थोड़ा लेट ही उठ रहा हूँ। Okay. अच्छा लग रहा है, गर्मियों की छुट्टियां होती है ना, जैसे स्कूल में एग्जाम देने के बाद। हाँ। एक जैसे कहते हैं कि टेंशन फ्री, मार्क्स आ गए हैं, अब जो है अगले जैसे कहते हैं पढ़ाई की तैयारी करनी। हाँ। है, लेकिन वो पता है कि थोड़ा बाद में है। बिल्कुल। तो मतलब एकदम वो वाला माहौल है, स्कूल की गर्मियों की छुट्टी में जो माहौल होता है ना, वैसा ही मेरा इस वक्त दिमाग चल रहा है। वंडरफुल। आप पढ़ रहे हो रिव्यूज वगैरह जो आ रहे हैं? मैं रोज पढ़ रहा हूँ, मैं रोज रिव्यूज पढ़ता हूँ, मैं फैंस के क्या कहते हैं उनकी तारीफें जो है इंस्टाग्राम में पढ़ता हूँ, कमेंट्स जितने पढ़ सकता हूँ पढ़ता हूँ। आई थिंक मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि ये इंटरैक्टिव एरा में हम लोग हैं। बिल्कुल। जब पहले क्या होता था कि पहले फैन मेल्स आते थे, चिट्ठियां लिखते थे, इस तरह की चीजें होती थी। हम, मैं स्टेज एक्टर हूँ तो स्टेज में तो सामने के सामने पब्लिक जो है ताली बजाती है, हंसती है, तो इंटरेक्टिव जैसे कहते हैं माहौल जो है ना, आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट को बहुत पसंद आता है। तो सोशल मीडिया के कारण या थिएटर में जब मैं जाके देखता हूँ जब लोगों को पसंद आ रही है फिल्में, तो वो देख के बड़ा मजा आता है। तो ये एक जैसे कहते हैं खुशी की बात है पूरी इंडस्ट्री के लिए और बहुत सारे न्यू कमर्स के लिए कि मतलब देयर इज होप। Absolutely. Yeah. और ये जब हार्डवर्क पे इतना सारा अप्रिसिएशन मिलता है और ये जेन्युइन जेनरिक ऑर्गेनिक अप्रिसिएशन होता है, उसके अगर बात मैं करूँ तो ऐसा कौन सा मैसेज या फिर कौन सा अप्रिसिएटिव नोट आपके लिए रहा होगा किसी भी इंडस्ट्री में से, किसी अनएक्सपेक्टेड इंसान का जो आपको मिला है आफ्टर स्त्री टू? ऐसे तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे, बट आई थिंक मैं बड़ा खुश हुआ था जब कियारा आडवाणी का मेरे पास मैसेज आया था। हां, व्हाट वाज दैट? I think she wrote a very long message about how she loved the performance and you know she enjoyed my role in the film and she enjoyed the film. और मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। I think उनकी पहली फिल्म से I've been like you know watching her work and she's a wonderful actress and and also a wonderful human being. Absolutely. So I was very very pleased to get that message from her. Absolutely. Kiara, hearts to you. Yes, cutie. Well, Abhishek, अगर मैं बात करूँ, ये जर्नी यहाँ तक इतनी आसान नहीं रही होगी जितना कि इजीली आप इतने सारे कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हो हमारे सामने, इतना इजी दिखाते हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अनुसार रंग दे बसंती में पहला एक किरदार जो आपने करा था, यू नो, जो कॉलेज के बच्चे डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं। अगर मैं आपको लेके चलूँ वापस उस दौर में, 2006 इट वॉज वेन इट रिलीज, From there till today, Abhishek Banerjee's journey को कैसे देखते हैं? मैं तब भी बहुत मजे करता था। I was very very happy even then, क्योंकि मैं थिएटर करता था और थिएटर में काफी पॉपुलर भी था। तो यूनिवर्सिटी में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स में से एक था मैं। तो आई वाज एंजॉयिंग माय स्टारडम इन दिल्ली एंड वहां बीच में मुझे ये करने का मौका मिला, कैमरा के सामने एक्टिंग करने का मौका मिला। आई वाज वेरी हैप्पी और मैं कभी उसको स्ट्रगल की तरह देखता भी नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस था। और उसके बाद जब बॉम्बे आया तो बॉम्बे आके, हाँ मतलब कुछ टाइम तक ये रेंट और बिकॉज बॉम्बे बहुत महंगा शहर है तो मतलब यहाँ पे किराया देना, डिपॉजिट देना, घर ढूंढना, इन सब चीजों का स्ट्रगल तो रहता ही है, लेकिन वो स्ट्रगल हर किसी के साथ रहता है। तो उसको भी मैं स्ट्रगल मानता नहीं हूँ। और किस चीज को स्ट्रगल मान सकता हूँ? स्ट्रगल अगर मैं किसी चीज को मानता हूँ तो हाँ ये कि एक एक, एक थिएटर एक्टर से एक फिल्म एक्टर बनने की जो जर्नी थी वो काफी स्ट्रगलिंग थी क्योंकि उसमें किसी और के कारण नहीं, मेरे खुद के कारण। मुझे काफी सारी चीजें नहीं पता थी कैमरा एक्टिंग के बारे में, बहुत सारे नुआंसेस नहीं पता थे, थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं था। तो वो सब चीजें जब धीरे धीरे क्लियर होती रही तो आई थिंक मैं एक बेटर परफॉर्मर बनता रहा ऑन कैमरा। सो नहीं यार, मतलब मुझे सच बताऊं तो मुझे कोई भी ऐसे दिन याद नहीं है जहां मैं बोलूं कि मैं बड़ा दुखी था या मैं रो रहा था या मैं बिटर था। वो बिटरनेस कभी आने दी नहीं मैंने अपने अंदर। और रही बात स्ट्रेस की, रही बात जैसे कहते हैं कि अननोइंग की कि क्या होने वाला है, correct. वो तो यार हम हर रोज जूझते हैं उस चीज से और वो जूझना जो है वो आई थिंक पार्ट ऑफ लाइफ ही है।
और अगर आज मैं किसी चीज को लेकर दुखी हूँ तो मैं अगले दिन उस चीज को लेकर खुश भी हो सकता हूँ. तो मतलब I'm very sort of like. I think अभिषेक दिस इज यू कि आप इतने मॉडेस्टली इसको इतने पॉजिटिवली ले रहे हैं बिकॉज अपने बलबूते पर मुंबई शहर में आना आई वुड नेवर नो दैट बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर लकी टू स्टे विद माय फैमिली. घर का खाना मिलता है टाइम टू टाइम बट देन वो भी एक बहुत बिग डील हो जाता है घर वालों की याद आना बीमारी में भी खुद का ख्याल खुद रखना. बिल्कुल those days also mustn't have been easy for you, right? नहीं मतलब बीमारी में खुद का ख्याल जो है मैंने रखा लेकिन thankfully मैं हमेशा लिव इन में रहा तो मेरी गर्लफ्रेंड रहती थी मेरे साथ पहले और फिर जब मैं टीना से मिला जो मेरी वाइफ है उनके साथ में मैं लिव इन में रहा तो औरतों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा. बिल्कुल बिल्कुल तो आई थिंक आई एम वेरी लकी दैट आई हैव ऑलवेज हैड people who took care of me and lovely ladies and I think jo mujhe lagta hai ki main ladkon se zyada I'm always much more friendlier with my female friends because I think they are more warmer. लड़कों में कोई इमोशन वैसे वाली मिलती नहीं है जो क्या कहते हैं जो इमोशनल सपोर्ट थे लेकिन लड़कियां हमेशा एक इमोशनल सपोर्ट हमेशा देती रही हैं और मेरी जिंदगी में जब भी कोई आई मतलब शुरू करते मेरी माँ से आई थिंक मेरी माँ का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है. मेरे कुछ दोस्त हैं दिल्ली में जो भी इधर उधर हैं उन्होंने काफी सपोर्ट किया. ऑफ कोर्स नंटीना आई थिंक शी हैज ऑलवेज बीन बाय माय साइड एंड वेरी लकी टू हैव सच पीपल अराउंड. Wonderful. Well, if I talk about स्त्री specially, स्त्री बार बार जुबान पे इस वजह से भी आता है. Of course, he has done a lot of amazing films. I mean, if I can name few, रंग दे बसंतरी में हमने देखा, No One Killed Jessica में छोटा सा एक रोल था. So from there till today, अभिषेक, अगर मैं आपसे पूछूं कोई टर्निंग पॉइंट अगर आपको आपके लाइफ में लगता है तो वो कौन सा रहा? स्त्री वन आई थिंक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि स्त्री वन से लोगों ने मुझे देखना शुरू किया जी. उनको समझ में आया कि अच्छा ये एक्टर है. बट पाताल लोक फॉर पाताल लोक ने मुझे पॉपुलैरिटी में जिसे कहते हैं कि वो मेरा टर्निंग पॉइंट स्त्री टर्निंग पॉइंट था इसलिए क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने मुझे देखना शुरू किया और पाताल लोक से पब्लिक ने देखना शुरू किया. उनको समझ में आया कि यार ये कोई नया एक्टर आया है हमारे देश में हमें एंटरटेन करने. तो वो जो अटेंशन मुझे मिला पाताल लोक से वो आई थिंक मेजर टर्निंग पॉइंट था. और उसके बाद की जर्नी के बाद आई थिंक स्त्री टू से वो थोड़ी चीज थोड़ी सी और ऊपर चली. यस ये काफी कम बार हमें देखने मिलता है कि हीरो से ज्यादा हीरोज फ्रेंड को जो कहते हैं ना एक वैलिडेशन मिलती है लोगों को एंड ये आपके साथ हुआ है. टचफुट फॉर दैट. मेरी पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो पाताल लोक जब मैंने देखा था पूरा टाइम मैंने ऐसे देखा सेम तो देखा है पूरा टाइम ऐसे नेल बाइट करते हुए देखा है. एंड फॉर मी व्हेन आई एम सो मच इंट्रीग्ड व्हाइल सीइंग समथिंग नो सो दैट इज अ टिक मार्क फॉर यू. तो टिक मार्क की अगर मैं बात करूं तो स्त्री आपके पास आई थी एज एन ऑफर. यू नो हमने कभी नहीं सोचा होगा ये इतनी बड़ी होगी. स्त्री टू उससे भी बड़ी है. नाउ फ्रेंचाइजीज आएंगे उसके ऑफ कोर्स बट आपका फर्स्ट थॉट क्या था दिमाग में व्हाइल यू सेड यस फॉर स्त्री वन? मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि मैं फिल्म करने जा रहा हूं. Okay. मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि मैं एक ऐसी चीज करने जा रहा हूँ जो कि थिएटर में लगेगी और बड़े स्क्रीन में आके लोग मुझे देखेंगे. मेरी 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 जो क्या कहते हैं ग्रीड है ना वो इन सब चीजों से सफाइस हो जाती है. Okay. जैसे कि अगर वेदा और स्त्री दोनों फिल्में एक दिन आ रही हैं तो मैं बड़ा खुश था कि इसलिए नहीं कि दोनों फिल्में आ रही हैं और बड़ी फिल्म है क्या बिजनेस करेगी उससे मैं खुश नहीं था. वो मुझे पता था कि जो भी होगा होगा बट ये खुशी जरूर थी कि यार एक ही दिन 15 अगस्त के दिन इतने बड़े दिन पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है जब सिनेमा घरों में जाएंगे तो वो मुझे दो जगह देखने को मिलेगा. तो आई थिंक दैट ये सेटिस्फेक्शन काफी ज्यादा मायने रखती है मेरे लिए. तो स्त्री जब मैं करने जा रहा था तो मैं बड़ा खुश था कि अमर भाई की फिल्म है राजकुमार राव है अपार है हम लोग सब दोस्त भी थे. उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है और अभी भी जो हो रहा है वो इतिहास के मतलब आई एम वेरी हैप्पी एंड लकी कि 6 साल के छोटे से करियर में मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हिस्ट्री का एक पार्ट. Absolutely. And we are hoping to see you more ahead. उसकी अगर मैं बात करूँ तो भेड़िया में भी ठीक है जो किरदार आपने निभाया. I want to know आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या था? मतलब अगर मैं पाताल लोक की भी बात करूँ भेड़िया की भी और स्त्री की भी एक हॉरर में कॉमेडी करना या फिर एक ऐसी फिल्म से छाप छोड़ जाना ऐसी वेब सीरीज से छाप छोड़ जाना जिसमें आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो सबसे कम डायलॉग्स है व्हाट इज मोर डिफिकल्ट एक्टिंग इन साइलेंस या फिर द लाउड वन? आई मीन acting in silence definitely is more difficult I would say mentally but wo mujhe lagta hai ki physically agar aap baat kare to more difficult horror comedy hai kyunki aap kabhi kabhar thak bhi jate hain aur kabhi kabhar aapke andar shayad wo energy rehti nahi jo aapko energy chahiye horror comedy ke liye dono genre but yeah agar silence acting is of course more
आई फील दैट व्हेन यू डोंट हैव द डायलॉग्स, क्योंकि एक्टर का सबसे बड़ा टूल जो होता है वो डायलॉग होता है. करेक्ट, है ना, कि क्या डायलॉग बोला, क्या एक्सप्रेशन दिए, क्या टाइमिंग है. अगर ये तीनों चीजें हटा दो, डायलॉग भी नहीं है, एक्सप्रेशन भी नहीं है, टाइमिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बस रहना है उस किरदार में और अपनी आंखों से कम्युनिकेट करना है सारी चीजें, तो ऑफ कोर्स एज अ क्राफ्ट वो ज्यादा डिफिकल्ट. बिल्कुल बिल्कुल. अगर मैं आपसे पूछूं एदर्स 3-2 जो एक साथ रिलीज हुई थी, मिक्स्ड रिव्यूज थे ना दोनों के, दोनों के परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा डिफरेंस था, क्या अपसेटिंग लगा थोड़ा सा? नहीं, अपसेटिंग तो नहीं कहूंगा, मतलब बिजनेस की बात करेंगे तो हाँ ऑफ कोर्स, बिकॉज़ आई लव when my films make money. But who does it exactly, right? So, but the thing is that, I mean, नहीं, बहुत बोलता ना कि नहीं, मैं पैसों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बड़ा पड़ता है. वो जिनके पास बहुत होता है, मुझे उनको नहीं पड़ता. नहीं, नहीं, मुझे तो बहुत पड़ता है. मैंने कहा यार, मैं रोज देखता हूँ कि कितने पैसे कमाए. अच्छा अच्छा, हाँ, मेरा हमेशा रहता है. तो नहीं, बट आई एम एक्चुअली हैप्पी कि दोनों फिल्में जब साथ में आई तो बहुत सारे लोगों ने वो फिल्में देखी. करेक्ट. तो उनको मेरा एक रेंज दिखा. करेक्ट. और कहीं ना कहीं ये प्लान नहीं था, बिल्कुल, बट इतना मुझे पता था कि एक ही साल में दोनों फिल्में आ रही हैं. जब एक दिन में आ गई तो आई थिंक वो जैसे कहते हैं ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है. True. क्योंकि जब आप एक फिल्म देखते हो फिर दूसरी फिल्म जाके देखते हो तो आपको लगता है ये सेम इंसान है. तो मैं ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी कि जो मुझे मिलना चाहिए था दोनों फिल्मों से मुझे मिला. Absolutely. और मैं ये जानता हूँ कि वेदा जब भी ओटीटी पे आएगी, जब और लोग देखेंगे तो इस फिल्म के बारे में और लोग बात करेंगे, क्योंकि वेदा को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है. मेरे पिताजी ने जब वेदा देखी थी तो उनको बहुत मजा आया था. और तो मुझे लगता है कि जब ओटीटी में जब और लोग देखेंगे तो उस फिल्म के बारे में और बातें होंगी. नाउ दैट वी वर टॉकिंग अबाउट नंबर्स, क्या आपको ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के बाद ना ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का प्रेशर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि यार इसकी कितनी करेगी, मेरी फिल्म कितनी करेगी, एक रेस में लग गए हैं? जी, आई थिंक कहीं ना कहीं बाहुबली ने उस चीज को वो ट्रेंड इतना ज्यादा लाया, ट्रिगर किया, क्योंकि पहले हम लोग 100 करोड़ की फिल्में देखते थे, फिर बीच में 200 करोड़ की फिल्म आने लगी, फिर एकदम से एक फिल्म आई जिसने 1000 करोड़ कमा ली. तो हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं. तो जब वो हो गया तो आई थिंक लोगों को लगने लगा अब हम कहां तक पहुंच पाते हैं. सेंचुरी वाली बात है, जब तक किसी प्लेयर ने एक बार 100 मार लिया तो फिर वो देखना चाहेगा कि वो 200 या 300 मार सकता है कि नहीं मार सकता. तो आई थिंक वही मैच कहीं ना कहीं कोविड के बाद यहाँ है. और बहुत लोग बोलते हैं कि कोविड के बाद इंडस्ट्री सही नहीं कर रही, बट कोविड के बाद ही आई थिंक वो मोमेंट्स आए हैं जब कुछ फिल्मों ने, जो बिना किसी ऐसे स्टार कास्ट के जिसको ऑडियंस ऑलरेडी जानती हो, वो फिल्में भी बहुत चली हैं. और बाहुबली से वो शुरू हुआ था. आंध्रा रीजन की फिल्म थी, एक रीजनल फिल्म थी जो कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे इतना पैसा कमाती है. इससे ये भी सीख मिलती है कि ऑडियंस कभी कभार सिर्फ, और शायद अब ज्यादा आई थिंक ऑडियंस को जो है एक अच्छी कहानी चाहिए, अच्छी एक्टिंग चाहिए, अच्छा डायरेक्शन चाहिए. आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर अ गुड एक्सपीरियंस एंड नॉट, इट्स नॉट ओनली अबाउट द फेसेस. ट्रू ट्रू, टोटली अग्रीइंग टू दैट. फैन मोमेंट्स तो कई हुए होंगे आपके साथ, पर स्पेशली हथौड़ा त्यागी वाले कैरेक्टर के बाद, फिर जब जना का वो नाम आया तो ऐसे हुआ है कि पब्लिक में किसी ने आपको आपके नाम से नहीं बुलाया, बल्कि आपके कैरेक्टर के नाम से. वो तो बहुत पहले से होता हुआ है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई रिसेंटली. मेरी माँ ने मुझे फोन किया, बोला कि अरे तुझे गोला बुलाओ या जना. तो मेरे घर का नाम गोला है. तो आई थिंक मेरी माँ ने जब मुझे जना के नाम से बोला तो मुझे लगा कि अच्छा, एक तो काफी ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर हो गया, क्योंकि माँ कभी जो है अपने बेटे को निक नेम से कभी वो नहीं बुलाता, कैरेक्टर नेम से कभी नहीं बुलाता. तो हाँ, आई थिंक दैट इज माई बिगेस्ट फैन मोमेंट. मेरे दो निक नेम है, मेरे गोला है और मेरा दिल्ली में मेरे दोस्त बोलते हैं बीला, लेकिन अभी ये मेरे दो दोस्तों ने बीला कोई बैक स्टोरी है. बीला का मतलब बिल्ली जैसी शक्ल है मेरी, ऐसा बोलते थे वो लोग. मेरे घर में बिल्ली भी है, ऐसा है क्या? I don't know, that's what they but that's what friends are. Yeah, exactly, friends are there for. And गोला because I was very गोल मटोल. मैं बड़ा मोटा सा, तगड़ा सा, जैसे कहते हैं क्यूट सा बच्चा था. तो मेरी माँ मुझे गोला बोलती थी. बट अगर अगर किरदारों की बात करें तो आई थिंक दोनों में मुझे बड़ा मजा आता है. जना में क्यूट फील आती है जब बच्चे या जब भी लोग मुझे बोलते हैं जना भाई जना भाई. और हथौड़ा त्यागी में एक वजन आता है. तो आई थिंक दोनों में जो मतलब ये बड़ी स्वीट स्पेस टू बी इन है. जॉनर्स की अगर बात की जाए तो यू आर एक्चुअली एक्सेलिंग इन एवरीथिंग दैट यू आर गेटिंग. ओके, वी सीइंग योर रेंज.
आपका कोई फेवरेट जॉनर जो अभी तक आपने टच नहीं किया, यू वुड वांट टू डू दैट वेरी अर्ली? आई डेफिनेटली वांट टू ट्राई रोमांस because I feel that what happens is, because why I'm saying that is because people say that probably someone like me can't do romance. And that is when I'm thoda sa usme challenge le leta hu, main le leta hu punjabi mein bolte hain garari, mujhe garari atak jati hai meri, acha ye nahi kar sakta hu, tumhe lagta hai to main karke dikhata hu. I'm just looking for such scripts and let's see, because I feel that we are all humans. Correct. And sometimes even a basic emotion like love, It's about how human can you make it. हमने aspirational love देखा है जी. And उस aspirational love को हम कभी नहीं beat कर पाएंगे क्योंकि उस aspirational love के king है शाहरुख खान. तो you cannot beat that. But what we can do is probably make relatable love stories. Absolutely. And let's see how the audience reacts to that. मुझे भी पता नहीं है, मैंने कोई कहानी अभी तक दो तीन पढ़ी है, interesting लग रही है, बातें चल रही है, but मुझे नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा. But मैंने एक फिल्म की थी अनकही कहानियां, जो की नेटफ्लिक्स पे आई थी, अश्विनी अय्यर तिवारी ने डायरेक्ट किया था. उसमें मैंने एक मैनिक्विन को रोमांस किया था और वो काफी फाइन बैलेंस था कि वो क्रीपी ना लगे, वो एक्चुअली असली प्यार लगे. और जब वो मैंने किया था तो बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे कि यार ये मुझे, हमें फिल्म बड़ी अच्छी लगी और बड़ी स्वीट लगी. तो उस दिन मुझे लगा कि यार अगर मैंने ये इमोशन इवोक कर दिया तो व्हाई नॉट अ रियल लव स्टोरी. हाइपोथेटिकली अगर लव स्टोरी करनी है तो किसके साथ करनी है फिर? हु इज दैट एक्ट्रेस? वाओ, दैट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. बट आई, तीन नाम ले लो आप. आई थिंक कियारा अडवाणी, कृति सनन एंड श्रद्धा कपूर. परफेक्ट, कल तो लिया श्रद्धा. अच्छा, उनके साथ वैसा वाला तो विक्की की है ना, तो अभी विक्की की है. अब इसके रील कटेंगे और हम भेजे सारे दिन. भास्कर, भास्कर भी जो है क्या कहते लाइन मारता है यार, बड़ी दिक्कत हो गई है. तो वंडरफुल. ऑल्सो विदाउट गिविंग आउट मच, फैंस आर ईगरली वांटिंग टू सी यू मोर. अभिषेक, टेल अस अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट. सेक्शन 82 व्हिच इज मिस्टर बच्चन. उनके फिल्मों के पोस्टर्स हैं, कुछ कुछ कहानियां हैं, उनकी बहुत सारी तस्वीरें हैं. I'm in love with him here. Yeah. तो and उन उसी बुक किताब में उनका एक ऑटोग्राफ है जो उन्होंने मुझे दिया था फिल्म के सेट पे. सो मेरे लिए बड़ी नायाब चीज है, वो खजाना है मेरा. I mean I can lose everything but I can't lose that.